अंजीर च बहुत सारे तत् भरपूर मात्रा च हुंदे हन। इसनू एक फल दे रूप विच भी खादा जा सकदा है अते सुक जान तो बाद भी इसनू एक ड्राई फ्रूट दे रूप विच खा सकदे हो। अंजीर च विटामिन ए सी के वी दे नाल नाल पोटाशियम मैगनीशियम जिंक कॉपर मैगनीशियम आयरन अते कैल्शियम भरपूर मात्रा च पाया जाता है। अज असी तुहानू अंजीर खाण दे फायदियां बारे दसांगे। अनीमिया अंजीर च आयरन अते कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा च हुंदा है। ये अनीमिया की बीमारी नू दूर कर दिंदी है। इसलिए रोजाना दुध च 4-5 मिनके अते 2-3 अंजीर उबाल के पी लो। इस नाल खून बनता है अते खून की कमी दूर हो जाती है। कब्ज़ की समस्या अंजीर कब्ज़ की समस्या लई बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस नाल पुरानी तो पुरानी कब्ज़ भी ठीक हो जाती है। इस दे लई रोजाना 3-4 अंजीर दुध च उबाल के रात नू सौंदे समय पीओ अते अंजीर खा लो। इस नाल कब्ज़ दूर हो जाएगी। इस दे नाल नाल 3-4 अंजीर रात नू पानी च भिओ के रखो अते सवेरे खाली पेट ये अंजीर खा लो। इस नाल बहुत जल्द कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। जुकाम की समस्या जेकर तुहानू जुकाम की समस्या हो गई है तो पानी च 3-4 अंजीर पा के चंगी तरह उबालो अते इस पानी नू छान के गर्म गर्म सवेरे शाम पीओ। इस नाल जुकाम ठीक हो जाता है। बवासीर की समस्या रोजाना रात नू 3-4 सुके अंजीर पानी च भिओ के रखो अते सवेरे खाली पेट मसल के खा लो। इस नाल बवासीर ठीक हो जाता है। अस्थमा की समस्या जिन्ना लोगों नू अस्थमा है उन्ना लई अंजीर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए उन्ना लोगों नू रोजाना अंजीर की वरतों जरूर करनी चाहिए है जिस नाल अस्थमा की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। कमर दर्द की समस्या अंजीर सौंड धनिया ये सब बराबर मात्रा च मिला के रात नू पानी च भिओ दिओ अते सवेर समय इस पानी नू उबाल के पीओ। इस नाल कमर दर्द दूर हो जाएगा। हड्डियां की समस्या अंजीर च कैल्शियम बहुत मात्रा विच हुंदा है। ये हड्डियां नू मजबूत करता है। इसलिए जेकर तुहानू हड्डियां दी किसी भी तरह की समस्या है तो रोजाना दिन च 4-5 अंजीर जरूर खाओ। इस नाल तुहानू बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तनाव की समस्या अंजीर च वह सब गुण होंदे हन जो तनाव नू घट करदे हन। इस नाल तनाव पैदा करने वाले हारमोनस घट हो जाते हैं। इसलिए जेकर तुहानू भी तनाव की समस्या रहिंदी है तो अंजीर की वरतों जरूर करो। इस नाल तनाव की समस्या दूर हो जाएगी। जिहड़े लोग गैस की जगह चुल्हे ते खाना बनाउंदे हन वह सेहतमंद रहिंदे हन। मझ दे दुध नाल मोटापा ज़्यादा हुंदा है। गां दा दुध पीण नाल इंसान जवान रहिंदा है। जिस दे ज़्यादा धीआं हुंदियां हन वह इंसान खुशकिस्मत हुंदा है। देर नाल नींद आउणा दिमाग तेज होण दी निशानी है। शाम दे समय मिठियां चीज़ां ना खाओ बल्कि कौड़ियां चीज़ां खाओ सेहत वधिया रहूगी। ज़्यादा चाह पीण नाल सेहत खराब हुंदी है ते अखां दी रोशनी भी घट हुंदी है। दिन विच 2 वार खीरे जरूर खाओ मोटापा घटन लग जाएगा। बालां विच कंघी करन नाल सिर विच खून दा संचार तेज हो जाता है। जिहड़े लोग बालां विच कंघी घट करदे हन उन्हां दे वाल ज़्यादा झड़दे हन। बासी मूँह दाल चीनी की खुशबू सूंघण नाल दिमाग तेज हुंदा है। जिहड़े लोग सज्जे पासे सौंदे हन उन्हां नू छेती नींद आउंदी है। ज़्यादा मिर्च मसाले खाण नाल एलर्जी भी हो सकती है। शाम नू ज़्यादा प्याज खाण नाल बवासीर हो सकता है। शाम नू चौल खाण नाल चर्बी छेती वधण लग जाती है। रात नू दही दा सेवन ना करो। खाना खाण तो बाद एकदम चाह पीण नाल खाना छेती हजम नहीं हुंदा। हर रोज़ सवेरे घाह ते नंगे पैर जरूर तुरना चाहीदा है। अमरूद खाण नाल पेट दे कीड़े खत्म हो जाते हैं। लसन दे रस विच नमक पा के पीण नाल पेट दा दर्द खत्म हो जाता है। छोलियां दी दाल पीस के चेहरे ते लगाउण नाल दाने नहीं होणगे। रात नू बार बार बाथरूम आउण दी प्रॉब्लम है तां रोजाना एक सेब जरूर खाओ। साग ते पालक खाण नाल रात नू बार बार बाथरूम आउण दी प्रॉब्लम घट जाती है। मिठी लस्सी पीण नाल थकावट दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर दा मरीज आलू बुखारे दा सेवन जरूर करे।
आड़ू खाण नाल दिल मजबूत रहिंदा है। ज्यादा बर्फ खाण नाल मैदा कमजोर हो जाता है। ज्यादा गर्म पानी नाल मूँह धोण नाल साडी स्किन लूज हो जाती है। जेकर तुहानू साडियां वीडियोज़ वधिया लगदियां ने तां वीडियो नू ज्यादा तो ज्यादा लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुल्यो।